आज देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग 12 से 24 घंटे लगातार कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत ही कम रुपए जमा कर पाते हैं। और बात करें शौक की, तो जॉब के साथ साथ अपने शौक पूरा करना असंभव लगता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने शौक को अपनी जॉब बना लिया और आज उनके पास लाखों रुपए के साथ साथ खुल के जीने की आज़ादी है और समय की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। तो दोस्तों, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बेरोजगार लड़की है जो घंटे भर में ही ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के द्वारा लाखों रुपए की कमाई कर लेती है। आप सभी सोच रहे होंगे कि वीडियो गेम तो बच्चे खेलते हैं और उसमें से कमाई कैसे होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के अलावा सभी देशों में गेम बच्चों से लेकर बड़े भी खेलते हैं और उन्हें गेमर कहा जाता है। वहाँ ऑनलाइन ग्रुप में या सोलो गेम खेल सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफी गेम की प्रैक्टिस करनी होगी और प्रोफेशनल प्लेयर होने पर आप काफी कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक लड़की की बात हम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली चेल्सिया की, जो न तो नौकरी करना चाहती है और न ही बिजनेस। वह केवल घर में कंप्यूटर पर बैठकर घंटों ऑनलाइन वीडियो गेम खेलकर 8 से 9 लाख रुपए की कमाई हर घंटे कर लेती है। इस बात को जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने कम समय में कोई इतनी बड़ी रकम कैसे कमा लेता है। बता दें कि चेल्सिया को ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शौक को ही अपनी जॉब बना ली। बचपन से ही कंप्यूटर में घंटों बैठना और ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने अपने इसी शौक को कमाई करने का जरिया बना लिया और गेम खेलने की वजह से वह लाखों रुपए हर घंटे कमाई कर लेती है। चेल्सिया ने ऑनलाइन वीडियो गेम को ही अपना कमाई का जरिया बनाया है। चेल्सिया 1 घंटे ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए 8 लाख रुपए लेती है। अब तक आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि आखिर कैसे वह लाखों रुपए लेती है और यह गेम खेलने पर उन्हें पैसे क्यों मिलते हैं। तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि कैसे चेल्सिया लाखों रुपए गेम खेलकर कमाती है। उन्होंने बताया कि वह ऑनलाइन गेम जिस समय खेलती है उस समय लोग उनके खेले जाने वाले वीडियो गेम को लाइव देखते हैं। वीडियो गेम में लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन और स्पॉन्सर आने की वजह से लगभग 8 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। चेल्सिया की शौक की लिस्ट में पार्टीज करने का शौक भी शामिल है। वह अपने पार्टीज के फोटो को अपनी पसंद के अनुसार सोशल मीडिया पर अपलोड करती है जिसे लोग देखकर जानना चाहते हैं और उनके फैन फॉलोइंग की लिस्ट भी बढ़ती जाती है। चेल्सिया जब गेम नहीं खेलती तो पार्टी करती है या सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करती है और लाइव स्ट्रीमिंग पर आए अपने कमेंट का जवाब भी करती है। उन्होंने जब अपनी डिग्री फार्मेसी में पूरी कर ली थी तब उन्होंने नौकरी के बारे में सोचा, परंतु उनका मन नौकरी में नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक वह जॉब करके इतना नहीं कमा सकती जितना वह गेम खेलकर कमा लेती है। वह अपने और अपने परिवार का खर्चा भी गेमिंग से होने वाली कमाई से ही पूरा कर लेती है। साथ ही वह कुछ पैसों की अपनी सेविंग भी जमा करती रहती है ताकि परिवार में कभी भी कोई परेशानी न हो। वह अपनी लाइफ को खुलकर अपने परिवार के साथ जीती है। वह औरों की तरह वीकेंड का इंतजार नहीं करती, परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाती रहती है और अपने परिवार को भी पार्टीज में शामिल करती है। चेल्सिया पार्टीज के साथ साथ चैरिटी में भी आगे रहती है। वह सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर अपना चैरिटी शो भी करती है। वह बताती है कि वह अपनी चैरिटी शो में होने वाली कमाई को समाज कल्याण के लिए गरीब बच्चों और गरीब लोगों को दे देती है। वह हमेशा सामाजिक कार्य भी करती रहती है। वह बताती है कि कई चैरिटी फंड में भी हिस्सा लेती है और जरूरतमंद लोगों को लिए हमेशा वह आगे रहती है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को चैरिटी करनी चाहिए ताकि दूसरों के साथ साथ खुद के मन को भी संतुष्टि मिले। अपने कमाए गए रुपयों में से वह काफी पैसा चैरिटी में खर्च कर देती है और वह हमेशा खुश रहकर दूसरों को खुश रखने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताएं। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग को स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।